वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो गेमिंग विद आइडिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में सीएस रैंक नेक्स्ट जन मैप के टॉप 10 हिडन प्लेसेस लेके आ गया और ये सारी ट्रिक यूज करके आप अपनी रैंक आसानी से पुश कर सकते हो। और सीएस रैंक का न्यू सीजन में मैं लाइव पे पुश करने वाला हूँ 2 बजे से, तो आप भी आ सकते हो मेरे साथ खेलने। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर ले। और पिछली वीडियो में अनुराग भाई ने मेरे लिए शायरी कमेंट करी थी कि आज ना ही खाना है और ना ही नहाना है, पहले कृष्णा भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर कराना है। अरे अरे थैंक यू अनुराग भाई तेजी शायरी कमेंट करने के लिए। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ट्रिक नंबर 10 अपनी वर्क करने वाली है फार्म टोपिया पे और इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। लेकिन टीममेट की ट्रिक है तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन जो टीममेट के साथ में खेलते हैं मतलब अपने टीम स्क्वाड के साथ खेलते हैं तो भाई उसके मजे ही अलग है। आपको बस 2 ग्लूल को जिससे लगा देना है, एकदम ज़्यादा ऊपर मत लगाना, दूसरा ग्लूल इतना बीच में लगा देना। आप एक बार लगा दोगे तो अगली बार से समझ जाओगे। उसके बाद आप फार्म टोपिया के बस 2 ग्लूल लगा के आप ऊपर आ जाओगे। और भाई इसको यूज़ करने में आपको भी पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, तो भाई आप क्यों यूज़ करते यार। इतनी तगड़ी ट्रिक, सिर्फ एक टीममेट को तो बुलाना है, वो भी नहीं बुला सकते हो क्या? बस एक बंदा यार, बस एक को देखो, सामने डैमेज दिया और एक ही गोली में नॉक हो चुका है। और उसके बाद देखो मैंने इसको क्लियर भी कर दिया और यहाँ पे फार्माटोपिया के ऊपर कोई भी नहीं देखता। देखो पूरा फार्माटोपिया आप कवर कर सकते हो, मतलब कोई सी भी कोने पे बंदे बैठे हो आप आसानी से पूरी स्क्वाड मार सकते हो। सामने मेरे नीचे बंदा बैठा है, मेरे नीचे बंदी बैठी है, उसको मैंने 150 मारा है, दूसरा भी मार दिया। देखो भाई फिर से मेरा ग्लिच हुआ भाई, इतनी जल्दी मैं स्नाइपर चलाता हूँ कि दूसरा ग्लिच हमेशा ही होता है। चलो कोई बात नहीं, इसको हेडशॉट मार के डायरेक्ट नीचे आ गया। और आप ट्रिक ट्राई करोगे तो आपके टीममेट से शॉक हो जाएंगे, भाई ऊपर कहां से चढ़ गया। तो भाई यही बोलेंगे 100% लेता हूं। देखो 3 किल के साथ मैंने विक्ट्री कर गया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 9 अपनी वर्क करने वाली मर्ज साइड पे और ये वाली इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाले हो। अगर आपने ये वाली ट्रिक यूज कर ली तो सामने वाले बंदे आपको देखना तो छोड़ो, टच भी नहीं कर सकते क्योंकि इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। लेकिन आपको फर्स्ट ग्लोअर लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस थी इसलिए मैंने फटाक से एक ग्लोअर लगा लिया है। दूसरा ग्लोअर इतना ऊपर लगाना है, वो सीधा इस तरह आ जाना है। तीसरा ग्लोअर आपको ऊपर से लगाना है, उधर से मत लगाना वरना आप गलत लगा दोगे। देखो तीसरा ग्लोअर नॉर्मल लगाना है जिसे आप लगाते हो। ये ट्रिक है नंबर 1 क्योंकि ये ट्रिक यूज करने के बाद आपके जितने के जन से 99.9% हो जाएंगे एकदम साबुन की एड की तरह, क्योंकि ये मारे 99.9% के और हारने के चांसेस बिल्कुल 0.1% बढ़ जाएंगे, मतलब बिल्कुल ना के समान। मेरा 1v4 सिचुएशन था लेकिन बिल्कुल भी लग नहीं रहा है क्योंकि इतना आसानी से मैंने हैंडल कर लिया। और किस कारण से हैंडल कर रहा, ट्रिक के साथ में और क्या चीज है उसके बताना मुझे कमेंट में, जो जीनियस लोग है सिर्फ वो ही बता पाएंगे। मतलब बहुत ही कठिन चीज है, आप बता देना। सामने एक बंदे ये भी रिवाइव देने आ रहा लेकिन उसको भी मैंने डैमेज देकर इसको भी मार के क्वार्टर किल कर दिया। बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर देना। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 8 अपनी वर्क करने वाली म्यूजियम पे और इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको एक SMG गन या स्नाइपर प्लेयर हो तो भाई मजा ही अलग है। आपको बताऊँ सामने पेड़ के नीचे आपको बंदे दिखेंगे, मतलब पेड़ पे दिखेंगे उनके। और अगर आप स्नाइपर प्लेयर तो भाई ये वाले राउंड में हमेशा ही स्नाइपर चलाना क्योंकि उसके हेड भी दिखते, अगर बैठा भी हो तो भी अगर आप चलाते हो तो भाई फिर इस वाले लोकेशन में तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। नीचे वाले को मैंने सोनिया बना दिया लेकिन यार फिर से सोनिया डिमी तो परेशान कर रही है और ये अपडेट के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, सामने वाला दिखा और इसको क्या ही तो हेडशॉट मारा लेकिन फिर सोनिया बन गया। सोनिया नाम तो सुना ही होगा। अरे बिल्कुल सुना यार, और साथ में परेशान भी इस कैरेक्टर से, क्या करे। चलो इसको मार देते हैं और इसी के साथ 3 किल हो चुकी है। अगर ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 7 अपनी वर्क करने वाली फार्म टोपिया पे और इतनी बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ, और मतलब सारी बढ़िया ही ट्रिक रहती है लेकिन टीममेट की ट्रिक है तो आपको सोलो की ट्रिक उस दिन में मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर देना याद से और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। देखो दूसरा ग्लोअर बहुत ही ज्यादा नीचे लगा, चलो देखते इसके ऊपर चढ़ पाते है कि नहीं। अरे भाई बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहा। चलो तीसरा ग्लोअर भी लगा देता हूँ और मैं लेग पॉकेट लेके खेलता हूँ 5 किलोवोल्ट वाला, और भाई मैं विदाउट ग्लोअर चढ़ाऊँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पीछे करके देख लेना। और ये लास्ट वाले बंदे को मैंने मार के विक्ट्री कर लिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 6 अपनी वर्क करने वाली ग्रेव लैपर और कोई हिडन प्लेसेस नहीं, मेरी तरफ से एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि मैंने यूज करी थी तो भाई बहुत तगड़ा गेम निकला था। वो यही वाला गेम है, मैं यहाँ पे अगर लेट जाओगे ना तो आपको कोई देख नहीं पाएगा। अगर आप बैठोगे तो भाई वो मेरे टीममेट भी लेट चुका है, और अब तुम लेटोगे तो वह तो कोई देख नहीं पाएगा। बैठोगे ना तो आप राइट साइड से देख लेंगे तो आपको कोई मार देगा। देखो एक को मैंने डैमेज देकर नॉक कर दिया और मेरे पास ग्रेनेड है। ग्रेनेड से कोई बच सकता है क्या? और अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?
ट्रिक नंबर 5 अपनी वर्क करने वाली इंटेलेक्ट सेंटर पे और ये विदाउट ग्लू वॉल विदाउट टीममेट की ट्रिक होने वाली है और इतनी बढ़िया ट्रिक होने वाली इतनी जहर ट्रिक होने वाली कि आप कहां से कवर दे रहे हो कोई बंदा बता नहीं सकता। इतनी तगड़ी ट्रिक है आप खुद देखो आपको करना क्या है, बस आपको इस वाले विंडो के पास आना है और लेफ्ट साइड जॉयस्टिक कर देना जंप करके, लेफ्ट साइड जॉयस्टिक खींच देना, जैसे जंप करो इधर आ जाओगे और इधर आने के बाद कोई भी इधर कोई नहीं देखता है और इसको मैंने कितना डैमेज दे दिया और इसने क्रोनो चालू कर लिया। रुक जा बेटा तू अब रुक जा क्रोनो ट्रो हटने दे और ये लो भाई एक को डैमेज दिया लेकिन वो कवर में चलेगा कोई बात नहीं निकल एक बार तू ये ले डैमेज और ये चलो इसको भी नॉक कर दे सोनिया बना के चलो इसको फिनिश कर देते हैं और लास्ट एक साइड में दो बंदे बचे एक को भी नॉक कर दे सोनिया बना दे चलो इसको भी फिनिश करके आगे चलते हैं अपने को शायद ट्रिपल किल इस बार भी मिलेंगे। अरे नहीं यार सही हर बार नहीं मिलेंगे मेरे टीममेट ने मार दे चलो कोई ना आप वीडियो को लाइक कर देना। ट्रिक नंबर 4 अपनी वर्क करने वाली है मर्ड साइड पे और ये वाली इतनी तगड़ी ट्रिक होने वाली एकदम नॉर्मल ट्रिक है। अगर आप लेफ्ट से जाते हो तो बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि जब भी आप राइट में आओगे ना तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। आपको बस अपने टीममेट को भी बुला लेना, मेरे सारे टीममेट इधर आ गए थे तो भाई मैं इनको कितना प्यारा कवर दे रहा था देखो सारे मेरे टीममेट नीचे बैठे हैं नॉक हो गए कोई दिक्कत नहीं वो नॉक हुए ना मेरा एक चारा टाइप का बन चुके आप समझ रहे हो मतलब कि वो उनको फिनिश करेंगे और एनिमी उनको ऊपर से मैं फिनिश करूंगा। ये लो इनको फिनिश भी कर दिया सामने दो बंदे कोई दिक्कत नहीं एक बंदे को मैंने इजी पीजी पर तो डैमेज दिया और सोनिया बन गया कोई बात नहीं अभी तो फिनिश होने वाला है चलो इसको भी नॉक कर दिया और सामने वो बंदा बिल्कुल दीवार के ऊपर चल रहा था क्या नेट चले गया सेटिंग सही करने गया था चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 अपनी वर्क करने वाली ग्रेव लैस पर और इतनी बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ लेकिन आपके सब अगर ग्लू वॉल नहीं होते ये ट्रिक मत यूज करना वैसे फर्स्ट राउंड तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये हेडशॉट मारने का ट्राय और ये वाला हेडशॉट मार के तो मुझे पिछली वीडियो का अभिषेक पांडे भाई का कमेंट याद आ गया कि शायरी लिखी थी एनिमी की चड्डी खोलते गेमिंग डैडी का चुम्मा शॉट ओपी बोलते यार गजब यार क्या क्या शायरी बनाते यार मेरे लिए और इस वीडियो पे जितने व्यूज आए उतने लाइक भी आना चाहिए इसी बात पे लाइक कर दो। ट्रिक नंबर 2 अपनी वर्क करने वाली रश टाउन पे और ये वाली इतनी तगड़ी ट्रिक बताने वाले कि एनिमी के सामने बैठे रहोगे लेकिन वो फिर भी नहीं देख पाएंगे यार मतलब आप खुद कंफ्यूज हो गए हो ना इतनी बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ और अभी देखो तसुओ तो हवा में भी यूज होने लग गया ये वाली ट्रिक अगर आपको पता नहीं तो भाई यूज करके देखना बस आपको एक ग्लूवल कुछ ऐसे लगा देना नीचे के साइड में उसके बाद आपको करना क्या इसको खोल के बस इस ग्लूवल के ऊपर जंप कर देना एकदम धीरे से और इसके बाद सामने जैसे मतलब एनिमी खड़े रहेंगे मेरे टीममेट जैसे खड़े हैं वैसे आप एनिमी को भी मार सकते हो और ये साइड में एनिमी आ गया टेलीग्राम का मैसेज है उसके चक्कर में स्क्रीन रुक गई थी और भाई सामने एनिमी है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा मैं कहां पे बैठा हूं उसको हेडशॉट मारा इसको चलो फिनिश भी कर देते हैं और इसी के साथ मेरा एक किल हो चुका और ये राउंड निकल गया और आपका इधर से आपको जाना तो वो करना बस इस साइड में भागना है इसके बाद आप थोड़ी सी जंप करोगे तो आप इधर से निकल जाओगे। ट्रिक नंबर 1 अपनी वर्क करने वाली फार्म टोपिया पे और अगर हाँ सच में अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में येलो हार्ट के साथ फुल वॉच कमेंट करना हाँ क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ देखू तो सॉरी आज कितने सारे बंदों ने मेरी वीडियो फुल वॉच करी इसके अलावा भी कमेंट कर सकते हो सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं और पीछे भाई उसको मैंने क्या ही हेडशॉट मारा वो भी यूएसपी से और ये वाले बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता मैं कहाँ पे बैठा हूँ सामने एक लड़की आ गई उसको भी मैंने डैमेज दिया लेकिन वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रही है और इसको भी हेडशॉट पड़ गया भाई क्या ही तो खतरनाक ट्रिक है यहाँ पे कोई भी देख नहीं पाता अगर यहाँ पे आप SMG या स्पैम वाली गन जैसे कि बीजन लेके आ जाओगे P90 लेके आ जाओगे तो भाई आराम से ये राउंड निकालोगे भाई सामने बंदा इसके पटाख से USP लेके इधर से निकलता हूँ और डायरेक्ट नीचे गिर गया चलो कोई बात नहीं इधर मैं आया थोड़ा सा पीछे के साइड निकलते हैं और यहाँ पे मेडिकेट लगा के मैं जैसे इधर आया सामने एक बंदा देखा इसको मैंने 110 का हेड मारा और चलो ये वाला बंदा भी नॉक हो चुका और इसके बाद ये बंदा पीछे देखते हैं कहाँ पे और चलो इसके पास ही आ गया और ये डिमित्री चालू करो चलो बैकग्राउंड में आप गेम प्ले एंजॉय करो बाकी अगर आपने ऐसी और वीडियो देखनी हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको BR रैंक पुश करना पसंद हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो चलो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाय।